सब, तो आज मैं लेकर आ गई हूँ बहुत इंटरेस्टिंग सा वीडियो। लाइक आप लोगों ने थंबनेल में ऑफकोर्स देखा ही होगा, बट स्टिल मैं बता देती हूँ। आज का वीडियो होने वाला है 24 आवर्स स्ट्रीट फूड चैलेंज। ओ माई गॉड, मैं पूरे दिन बाहर का खाना खाने वाली हूँ और मुझे मेरी मम्मी से बहुत ज़्यादा डांट पड़ चुका है पूरे दिन बाहर का सामान खाने से, क्योंकि ऑफकोर्स मैं आज तक पूरे दिन के लिए बाहर का सामान नहीं खाई हूँ और मैं स्ट्रीट फूड खाने वाली हूँ और ये हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, बट थोड़ा फन के लिए आई थिंक आई शुड ट्राई। तो मैं पूरे दिन खाऊंगी, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, एवरीथिंग। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो मैं घर का खाने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आज के वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। मैं बाहर जाऊँगी, ऑफकोर्स तो जाती हूँ, बट फिर भी आज जाकर बाहर खाऊंगी। एंड मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है बाहर वीडियो बनाने में, क्योंकि लोग इस टाइप से देखते हैं जैसे कौन सा डेविल आ गया है, बट स्टिल आज मैं करने वाली हूँ चैलेंज। और अभी मैंने अपने पापा को भेज दिया है, सो लेट्स सी वो क्या लेकर आते हैं। और मैं सुबह का करने वाली हूँ ब्रेकफास्ट। सो या गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, देखते हैं क्या आ जाता है। ओके, बाय बाय। तो फाइनली गाइस, मेरा ब्रेकफास्ट आ चुका है एंड ब्रेकफास्ट में मेरे लिए छोले भटूरे। हमारे घर के इधर पास में एक फेमस है छोले भटूरे, तो वहाँ से आया है। एंड मैं वेट कर रही हूँ, मुझे काफ़ी तेज़ भूख लगा हुआ है, क्योंकि मैं सुबह उठते के साथ 8 बजे लंच ब्रेकफास्ट करती हूँ, बट आज टाइम हो रहा है अभी 10 o'clock टाइम हो रहा है एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा तेज़ भूख लगी हुई है। सो बिना ज़्यादा वेट किए पहले खा लेते हैं। फाइनली मैंने पूरा खाकर ख़त्म कर लिया है एंड मैं पेट पूरा भर चुका है। लास्ट मुझे छोले भटूरे बहुत पसंद है, इतना ज़्यादा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, और ये वाला तो कुछ ज़्यादा ही पसंद है लास्ट। और इसके बाद मुझे सीधा बाहर के लिए पता नहीं क्या मिलेगा, मैंने कुछ नहीं सोचा है, क्योंकि बाहर का स्ट्रीट फूड इतना सारा होता है कि सोचना ही नहीं पड़ता कि क्या खाना। लास्ट चीज, फाइनली। सो फाइनली गाइज, आई एम डन और मैं अब कुछ भी खाने लायक नहीं हूँ। एंड अच्छा है, मुझे अभी बिल्कुल भूख नहीं लगा। और अभी ब्रंच का टाइम हो रहा था, तो मैंने ब्रंच के टाइम पे आज ब्रेकफास्ट कर लिया। तो अब देखते हैं लंच में क्या खाने वाली हूँ। मैं सोच रही हूँ कि बिरयानी खा लूँ या पता नहीं, जो भी खाऊंगी देखते हैं अब क्या आता है। और मैं अब दोपहर में भी बाहर नहीं जाने वाली हूँ, वो भी मेरे पापा ही मुझे ला कर देंगे, क्योंकि मैं नहीं जाऊँगी इतनी धूप में। कभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रखी है और मुझे इतने धूप में बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा। मैं शाम में जाऊँगी एंड स्नैक्स मैं आज शाम में बाहर करने वाली हूँ। तो अभी तो मेरा बिल्कुल हालत ख़राब है, और अभी मेरे क्लास चल रहे थे, अभी कोविड के कारण ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं, तो अभी बाहर भी कोविड के कारण जैसे इतने दिन से छोले भटूरे वगैरह नहीं मिल रहे थे, पर आज मैंने मंगवा ही लिया। और इसी के कारण मेरी मम्मी मुझे अलाउ नहीं कर रही थी अभी स्ट्रीट फूड खाने के लिए, बट मैंने तो मुझे खाने का बहुत मन कर रहा था एंड मैंने सोचा एक बार चैलेंज करना भी चाहिए। तो फाइनली चैलेंज का एक पड़ाव पूरा हुआ, मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है बाहर का एंड अब मैं जाऊंगी थोड़ी ही देर में नहाने। मैंने अभी कुछ देर के लिए क्लास स्किप किया था, तो अब जब भी भूख लगता है, जब भी क्या, ऑफकोर्स मैं लंच करूँगी, तो मिलते हैं उस टाइम पर। बाय बाय। हेलो गाइस, सो फाइनली मेरा लंच टाइम हो गया है एंड आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि मैं इतना मेकअप वेकअप श्रृंगार विंगार करके क्यों बैठी हुई हूँ। तो एक्चुअली अभी मैं इंस्टा के लिए रील वीडियो शूट कर रही थी, बट बाय द वे मैं कर नहीं सकी क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगने लगा एंड फिर मैंने छोड़ दिया। बट
शायद मैं थोड़ी देर में बना लूँ, आई डोंट नो। तो अभी मुझे भूख लग गया था, टाइम तो अब 2 बजने वाला है एंड मुझे काफ़ी तेज़ भूख लग गया था। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को सुबह ही कह दिया था कि मैं बाहर नहीं जा सकूँगी, इतना ज़्यादा गर्मी एंड धूप हो रखा है, तो मुझे बिल्कुल मन नहीं था जाने का। तो मैंने अपने पापा से बाहर से दोबारा मंगवा लिया और अब मैं सीधे बाहर जाऊँगी अपने, शाम में डांस क्लास में जाती हूँ उस टाइम पर। तो अभी मुझे काफ़ी तेज़ भूख लगा है और मैं लंच में खाने वाली हूँ बिरयानी, एंड आई डोंट नो ये बिरयानी कैसा है, क्योंकि जहाँ से हम एक्चुअली खाते हैं वो बंद हो रखा था, तो मेरे पापा कहीं और से लेकर के आए। तो पहले टेस्ट करूँगी ये कैसा है, मुझे हर जगह का बिरयानी पसंद नहीं आता, बट आई डोंट नो ये कैसा होने वाला है, लेट्स सी। सो गाइज, एज यू ऑल हैव सीन कि ये बिरयानी कैसा लुक्स में दिख रहा है, तो मुझे उतना खास नहीं लग रहा है, मैं इस टाइप का नहीं खाती हूँ जल्दी, बट आई डोंट नो, क्योंकि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर ये हमेशा का है, तो इसलिए मैं ऐसे किसी चीज़ को भी देखकर जज नहीं कर सकती। तो अब खा के ही पता लगाएंगे कि उसका टेस्ट कैसा है। सो बिना ज़्यादा वेट किए खा लेते हैं, भाई भूख लगा है। मैं बाहर वीडियो शूट करना, जो कि मेरा काम है, वो मैंने नहीं किया, मैं रील वीडियो बनाने वाली थी वो मैंने नहीं बनाया, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है। तो वीडियो बनाना जो कि मेरा काम है, वो मैं बनाती ही हूँ, वो हॉबी है उस टाइप की, तो मैंने वो नहीं किया, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है। तो आप लोग थोड़ा भी सोच सकते हो कि बाहर कितनी ज़्यादा होगी गर्मी, जो कि मैं नहीं गई और मैं इतना ज़्यादा गर्मी रखा था कि मैं वीडियो शूट करने के लायक नहीं थी, बट फिर भी मैं अभी आप लोगों से नॉर्मली मैं बात करती हूँ, तो इसलिए ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ, बट रील वीडियो में मुझे एक्सप्रेशन देना पड़ता है, तो उतना नहीं हो पा रहा था इतनी ज़्यादा। सो गाइज, आई एम डन, मैंने आधा मैंने नहीं खाया और मैंने उसे रख दिया है, अभी मुझे बिल्कुल मन नहीं हो रहा खाने का और मैं अब उसे खाऊंगी भी नहीं। मैं कोई भी चीज़ को एक बार खा ली तो मुझे बिल्कुल मन नहीं होता उसे दोबारा खाने का, बट फिर भी कभी कभी खाना पड़ता है वैसा, अगर कुछ हो इम्पॉर्टेंट तो खाना पड़ता है। सो एनीवेज, अभी मैंने लंच भी कर लिया है एंड दूसरा पड़ाव भी ख़त्म हुआ, तो अब मैं मिलूँगी आप लोगों को शाम में स्नैक्स के टाइम। उससे पहले अभी मैं मुझे सोच रही हूँ रील, पहले थोड़ी देर रेस्ट के बाद मैं अब रील वीडियो शूट करने वाली हूँ, एंड मेरे सेमेस्टर आ रहा है एंड मुझे बहुत सारा पढ़ाई करना है, आई डोंट नो मैं कैसे करूँगी, और मेरे अभी पेट का बहुत बुरा हाल हो रहा है क्योंकि मैं सुबह से एक भी चीज़ मैंने घर का नहीं खाया। मुझे घर का खाना बहुत पसंद है लेकिन मैंने एक दाना नहीं खाया, तो आप लोग सोच सकते होंगे मेरा क्या हाल हो रहा है, बट स्टिल आप लोगों के लिए कुछ भी। तो अभी मैं रेस्ट करने जा रही हूँ, फिर मुझे पढ़ाई करना है, देन कुछ ही देर में आई हैव टू गो टू माई डांस क्लास, तो ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। सो गाइस, शाम का टाइम हो गया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू हैव माई स्नैक्स, अभी स्नैक्स के लिए स्पेशली नहीं जा रही हूँ, और अभी मेरा टाइम है डांस क्लास का एंड नाउ राइट नाउ आई एम गोइंग, सो बाद में मिलते हैं, अभी लेट हो रहा है। विद माई स्नैक्स और अब डिनर के टाइम मिलेंगे, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती, आई होप यू ऑल नो व्हाई। सो बाय बाय। देख सकते होंगे दैट आई एम सो टायर्ड राइट नाउ एंड मुझसे चला भी नहीं जा रहा, बट स्टिल चलना तो पड़ेगा, पैर तो चलना तो पड़ेगा। एंड मैंने ले लिया है अपना रात का डिनर और उसमें एक फुल प्लेट थाली है, घर जाके बताऊंगी कि उसमें क्या क्या है, अभी मैं उतना बोल नहीं पा रही,
और शाम में स्नैक्स के टाइम मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे मैं गोलगप्पे खा रही थी वहाँ पे लोग मुझे इस टाइप से देख रहे थे, ये क्या कर रही है, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया। और अभी बहुत ज़्यादा पुअर क्वालिटी आ रहा है वीडियो का, क्योंकि लाइक रात है ना इसलिए। सो गाइज, मिलते हैं घर जाकर, बाय बाय। मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ, लाइक आई एम सो टायर्ड, एंड मुझे काफ़ी तेज़ भूख भी लगा है क्योंकि मैंने शाम में सिर्फ गोलगप्पा खाया। एंड राइट नाउ आई एम गोना हैव बटर नान और उसके साथ है पुलाव, राजमा एंड वो क्या है, हाँ बटर पनीर मिक्स वेज और सलाद। तो लेट्स हैव, क्योंकि अभी काफ़ी तेज़ भूख लगा है, ज़्यादा मुझे बात करने का अभी मन नहीं हो रहा, तो खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। डिनर कंप्लीट कर लिया है एंड आज का दिन बहुत हेक्टिक था, लाइक बहुत ज़्यादा थकान हो गया है। एंड अब मैं ऑफकोर्स मुझे लग रहा है कि एडिट करूँगी वीडियो, आई डोंट नो अभी करूँगी एडिट या फिर बाद में, पता नहीं। अब मुझे नींद आ रहा है और मैं अब सो जाऊँगी। तो फाइनली मैंने पूरा दिन का चैलेंज कंप्लीट कर लिया और दिन में मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग गया था बट मैंने कंट्रोल किया था। सो एनीवेज गाइज, मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो गुड नाइट, सी यू ऑल अगेन एंड टेक केयर।